हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ के फैसले कितने सही और कितने गलत। मुझे लगता है सिद्धार्थ का दोबारा दूसरी बार आना और अपने डिसीज़न बताना, मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ अपने डिसीज़न अपने वो चीज़ें थोप रहा है सब पर, क्योंकि और वो निक्की तंबोली को कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहा है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ निक्की तंबोली ऐसा कर नहीं रही है जो उसको इतना फेवर, हीना खान, गौर खान, वो लोग भी कहीं ना कहीं निक्की तंबोली को बहुत फेवर कर रहे हैं। जबकि मुझे यहाँ पर जो लगते हैं दो जने इसमें ज़्यादा सही लगते हैं, जैस्मिन और रुबीना। दोनों ही बिल्कुल सही अपना गेम खेल रहे हैं और सही अपना स्टैंड ले रहे हैं। रुबीना भी बिल्कुल सही स्टैंड ले रही है, और जबकि रुबीना जब सही स्टैंड लेती है सारे उसको पर हावी हो जाते हैं, एजाज खान वगैरह, मतलब उसको कहीं ना कहीं वो गलत साबित करना चाहते हैं। मगर मुझे इस समय जैस्मिन और रुबीना बिल्कुल सही लग रही है कि जैसे अब कल के लिए ही जब रुबीना ने उसको निक्की तंबोली को बोला, जब कंफर्म उसमें करना था कि कौन कंफर्म रहेगा, निक्की तंबोली कंफर्म रहनी चाहिए या आम सदस्य रहनी चाहिए, तो उसमें रुबीना ने सही सुनाई जो भी सुनाई निक्की तंबोली को, और निक्की तंबोली को भी समझ आया। कोशिश वो कर रही है कि मुझे समझ आया, मगर मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ समझ आया। वो तो हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि वो रुबीना की चीज़ों को समझी है कि नहीं, कि वो जो उन पे दोबारा से चढ़ गई है, राहुल पे, निशांत पे और जान पे, कि तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं और हो, इतना मतलब उसको कन्फर्म में हो गई थी। उसने किसी को अपने आगे कुछ समझ ही नहीं रही थी। और अब जैस्मिन भी वहाँ पर जो टास्क हुआ था बकेट वाला, उसमें बिल्कुल जैस्मिन सही थी, उसके हाथ में ज़्यादा नेट थी और बॉल भी थी। पता नहीं क्यों सिद्धार्थ ने इस तरीके से उसको ही विनर बना दिया कि वो लड़ने लग गया कि नहीं निक्की विनर है। पहले भी वो ग्लास टास्क में सिद्धार्थ ने निक्की तंबोली को विनर बनाया था, जबकि क्लियर दिख रहा था कि जैस्मिन उसमें विनर है। और इसमें नेट वाले में भी, वो बकेट वाले में भी जैस्मिन ही क्लियर दिखाई दे रहा था कि वो विनर है। यहाँ रुबीना ने जो अपना स्टैंड रखा उसमें भी वो उसकी बातें बिल्कुल सही थी, मगर सिद्धार्थ हर किसी को निक्की तंबोली से के आगे वो कर रहा है कि नहीं तुम लोग गलत हो, और निक्की तंबोली को सही साबित करना चाहता है। और एक तरफ कहता है मेरी वो दोस्त नहीं है, जैस्मिन मेरी दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, मगर ऐसा हमें कुछ बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है कि वो दोस्त को अगर फेवर की बात नहीं है, तुम सही को सही तो बोलो, गलत को भी सही बोल रहे हो और हर जगह पे निक्की तंबोली को ही कर रहे हो, जो कि बिल्कुल ही नहायती इरिटेट कंटेस्टेंट मुझे निक्की तंबोली लग रही है। आप बताना कि आपको कैसा लगा। मेरा पॉइंट ऑफ तो ये है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, और आपको कैसा लगता है आप बताना और कमेंट में लिखना। फिर मिलते हैं फिर आगे किसी और नेक्स्ट व्यू, मिलते हैं अगले किसी क्लिपिंग में। बाय।